नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। जमशेदपुर के प्रखंड इलाकों में विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आजसू पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही सात सूत्री मांग प्रखंड पत्र विकास पदाधिकारी को सौंपा। आजसू के वरिष्ठ नेता मनिक मलिक ने नेतृत्व में यहां प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न जन समस्याओं का समाधान की मांग उन्होंने उठाई है। इन्होंने कहा कि विगत 5 महीनों से वृद्धा एवं विधवा पेंशन बंद है, जिसे अविलंब शुरू किया जाए। मकदमपुर रेल फाटक के पास हाई मास्ट लाइट लगाई जाए। जरूरतमंदों के घर के अनुष्ठानों में कम दर पर पानी के टैंक उपलब्ध करवाई जाए। गर्मी से पूर्व इलाके के तमाम खराब चापाकल को दुरुस्त करवाया जाए। ऐसी तमाम 7 मांगों से संबंधित मांग पत्र इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा और इस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई। आजसू पार्टी के नेतृत्व में 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आए हैं। पहला हमारा प्रमुख मांग है, जिसमें गरीबों को जो विधवा और वृद्धा पेंशन होता है वो आज तकरीबन 5 से 6 महीने से बंद है। हम लोग अविलंब मांग करते हैं, आजसू पार्टी मांग करती है कि इसको अविलंब शुरू कराया जाए, जिससे कि लोगों को जो इसमें गरीब दर्दन लोग हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, उनको कितने दिन से परेशानी का झेलना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं राज्य सरकार इसमें अविलंब जो आपका पेंशन है उसको शुरू कराया जाए। दूसरा हम लोग का मांग है कि प्रखंड के माध्यम से, चूँकि हम लोग के एरिया में पानी टैंकी का व्यवस्था हो चुका है, प्रखंड के माध्यम से 2 टैंकर या 3 टैंकर की व्यवस्था करें, जिससे ग्रामीण यहां पर आके एक न्यूनतम दर के आधार पर, मान लीजिए जो भी एक छोटा राशि, मान लीजिए 300 या 400 रुपये के दर पर, जिसको भी पानी की अगर ज़रूरत है वो आवेदन दे के अपना पानी व्यवस्था कर सके। तीसरा हम लोग का मांग है, जैसे मकदमपुर रेलवे फाटक और शीतला चौक में काफ़ी अंधेरा रहता है, हम लोग चाहते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें हाई मास्ट 2 जगह लगाया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। चौथा हम लोग का मांग है, करंडी चौक से लेकर दयाल बिल्डर शंकरपुर तक जो दुकानें बनी हुई हैं, उस दुकानों को, दुकानदारों को यूरिन करने का कोई जगह नहीं है। ऐसा मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम दुकान कर रहे हैं तो दुकान यूरिन करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से मेरा मांग है कि ऐसा जगह चिन्हित करें कि दुकानदार या जो भी ग्राहक आते हैं यूरिन करने का, उसको जगह उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद परसुड़ी मुख्य सड़क जो है, जो करंडी चौक से लेकर आपका गोविंदपुर चौक, सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है। आजसू पार्टी मांग करती है इसका रिपेयरिंग मरम्मत करा करके सौंदर्यकरण किया जाए, चूँकि ये मांग बहुत दिन से चल रहा है लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मांग नहीं किया गया। और गर्मी को देखते हुए, गर्मी के पूर्व हम लोग चाहते हैं कि जितने भी खराब पड़े हुए हैं चापाकल, सबको मरम्मत अविलंब कराया जाए। इसके साथ साथ जो सोलर पंप, सोलर स्ट्रीट लाइट और जो खंभे में जो लाइट है वो भी खराब पड़ा हुआ, हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब उसको सुधार करा के ठीक कराए। गर्मी आ रहा है, हमारी मांगों को अगर गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो आजसू पार्टी सड़क पर उतरने का काम करेगी। ठीक है, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।